मेरे साथ एके मिश्रा साहब भी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बड़ा अनुभव है सर, बहुत स्वागत आपका। इस बीच रामदास अठावले कुछ कह रहे हैं, वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन एके साहब के पास में जल्दी से हो आता हूं। एके साहब, जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, ठीक एक साल पहले शिवसेना टूट गई, ठीक एक साल बाद आज एनसीपी टूट गई, इसके पीछे कुछ कारण समझ आ रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, आप ये देखिए, जब महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार बनी थी तो शिवसेना ने अपना समर्थन पहले बीजेपी से खींच लिया था, ये एक गद्दारी थी। और आपको याद होगा, 2-3 महीने पहले अमित शाह जी ने एक रैली की थी महाराष्ट्र में, उन्होंने एक लाइन बोला था, मैं गद्दारों को छोड़ता नहीं हूँ, वो फर्स्ट फेज था। लेकिन लोगों को पता ये चला, बीजेपी को पता ये चला कि तोते, राक्षस की जान ये तोते में है। तोते थे शरद पवार, शरद पवार की बैटिंग पे ये सारा खेल हो रहा था। बीच में और भी जो प्रॉब्लम हुए बीजेपी को, जैसे भी सरकार बनानी हुई, हाँ। तो ये चीज था कि उस अंजाम को, उस लक्ष्य को एक अंजाम से एक मुकाम पे पहुंचाना था। जब तक ये नहीं था, नहीं होना था, तब तक बीजेपी कभी भी चैन से नहीं बैठती। तो ये वही चीज है कि जो बैकिंग दे रहा था, जो सबसे ज्यादा पावरफुल अपने आप को वहां की राजनीति में, और एक थोड़ा मैं समझता हूँ कि मर्यादाओं का उल्लंघन भी हुआ था, हार जीत होना दूसरी चीज है, हाँ। लेकिन धोखा कभी किसी को राजनीति में क्या जिंदगी में नहीं देना चाहिए। ये धोखे की राजनीति जो शुरू हुई, जो शिवसेना अपने सिद्धांतों से हटी, इधर से समर्थन लेना, बीच में आपने देखा होगा शिवसेना के नेता कितने उछल उछल के बहुत सारे चैलेंज कर रहे थे, हाँ। ये प्रोवोक करने की राजनीति, धोखे देने की जो राजनीति होती है, उसी का ये परिणाम है। और मुझे लगता है कि अभी ये शुरुआत है, इसके बाद शरद पवार जी और उनकी शक्तियां एकदम अकेली हो गई हैं, हाँ। अब इससे भी बुरा शायद उनके साथ होने वाला होगा। अच्छा। क्योंकि एनसीपी के तो सबसे कद्दावर नेता थे प्रफुल्ल पटेल जी, अगर वो भी यहाँ पे आ गए हैं तो आप समझ लीजिए कि शरद पवार या एनसीपी की नेता प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वलसे, बादल, छगन भुजवल, ये हमारे साथ खास मेहमान है, राजनीतिक विश्लेषक एके मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है एके मिश्रा साहब आपका, राजनीतिक शुरुआत एके मिश्रा जी आपसे, जो पटकथा लिखी जा रही थी, और हमको लगता है कि यह पटकथा 2 मई से ही लिखी जानी शुरू हुई थी, जब शरद पवार ने इस्तीफा दिया अध्यक्ष पद से, और उसके बाद 4 दिन के बाद उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया, और फिर उसके बाद बैठक हुई और उसमें उन्होंने घोषणा कर दी कि 2 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, जिसमें अजीत पवार का नाम नहीं था, प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले का नाम था। क्या नाराजगी अजीत पवार की वहीं से शुरू हुई थी और वहीं से ये पटकथा लिखी जानी शुरू हुई, जिसका पटाक्षेप आज हुआ? एके मिश्रा जी, आपने दुरुस्त फरमाया, और उसके पहले भी अगर देखा जाए तो शिवसेना और बीजेपी जब दोनों अलग हुए थे, शिवसेना ने धोखा देते हुए जो अगले टर्म के लिए अपना समर्थन वापस ले लिया था, और उसके बाद शरद पवार जी ने जो भी गेम खेला, चाहे वो एक्सपोज करने के लिए हो, गेम हमेशा बाहर के पार्टियों से किया जाता है। उन्होंने गलती एक ये कर दी कि अपने पार्टी में ही, पुत्री मोह में ही, सुप्रिया सुले को आगे करने के लिए उन नेताओं को या उन वर्करों को पीछे किया जिन्होंने दिन रात एक करके पार्टी बनाई थी इनके वृद्धावस्था में, जो ग्राउंड लेवल के लीडर थे, जो इलेक्शन लड़ते थे, जो पब्लिक से कनेक्टिविटी रखते थे। सवाल ये है कि इतनी बड़ी मेहनत को कोई त्यागना नहीं चाहता है, उनके हाथ से कोई ऐसे छीन ले, ये जो है बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। ऐसे परिस्थिति में हर आदमी अपने राजनीतिक फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है, एक स्ट्रांग विकल्प मिलते ही वो सारे के सारे नेताओं ने अजीत पवार के अंडर में आकर के, एक छाते छतरी के नीचे आकर के, उन्होंने उस विकल्प को सिलेक्ट कर लिया। अब शरद पवार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या बोले कि 80% नेता बोल रहे हैं, जबरदस्ती करवाए हैं, ये शिवसेना पार्ट 2 हो रहा है, कल से लड़ाई शुरू होगी सिंबल की, यानी बैट्समैन के हाथ से बैट छीन लिया गया है, तो चौवा छक्का मारना तो दूर है, वो 1 या 2 रन भी टुक टुक करके भी पॉलिटिक्स में नहीं बजा पाएगा पूरा। मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिकल अंत हो गया शरद पवार जी का, और उसके साथ जो ये गठबंधन बना रहे थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर बनने की भी ख्वाहिश थी या नाम इनका आ रहा था, वो तो बहुत बुरी तरीके से बिखर गया। ये उन लोगों के लिए शायद एक लर्निंग हो, वो सहम जाएंगे कि इस आपदा को संभाले कि हम अपना गठबंधन करें और बेंगलोर में हम मीटिंग करें, क्या करें, तो ये बात है जी।
अब संजय राउत जो बात कर रहे हैं और शरद पवार ने जिस तरफ इस पूरे प्रकरण को घुमाने की कोशिश की है, क्या उस तरफ देखना चाहिए, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए? आप किस रूप में इसको एनालाइज करते हैं के मिश्रा जी? बारा फूला हुआ था, कद्दावर नेता है और यूपीए के लिए इसके लीडर बन रहे हैं विपक्षी दल के, और चाणक्य वगैरह कहे जाने लगे थे, पूरी जिंदगी भर की कमाई आज लुट गई। ऐसी बात नहीं कि शरद पवार इस चीज को जानते नहीं थे। जब अजीत पवार को निकाला गया था, जिन्होंने जिंदगी भर अपनी पूरी जवानी खपा दी उनके साथ, ये शरद पवार भी उस चीज को अच्छी तरीके से जानते थे, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम यहाँ के जो है चाणक्य हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में और कोई हमारे खिलाफ ऐसा निर्णय नहीं ले सकता, नहीं जा सकता है, पारिवारिक या राजनीतिक उसके कारण जो भी रहे हो, ओवरहेलमिंग नेचर के कारण, इस गलत फहमी के कारण ये चीज हो गया। बहुत आराम से ये सोचे रहे। और एक चीज और है, देखिए बोलने को आत्मसंतुष्टि के लिए कोई कुछ भी बोले, लेकिन इतना फैक्ट है कि अजीत पवार और जो कद्दावर नेता गए हैं वो भी पॉलिटिक्स के मजे हुए खिलाड़ी हैं और बहुत सोच समझ के गए हैं। केवल इतना सोच समझ के नहीं गए हैं कि चलो एनी हाउ सरकार बना लो या गुस्से के कारण बदले की भावना से। इलेक्शंस जो भी होने वाले हैं 2024 में, महाराष्ट्र का जो स्टेट इलेक्शन होने वाला है, एक लंबी पारी खेलने के लिए गए हैं और अजीत पवार का लक्ष्य ये है कि पूरी की पूरी पार्टी पे, एनसीपी पार्टी पे कब्जा कर लिया जाए, सिंबल उनका हो जाए। वो कल से लड़ाइयां वो शुरू होंगी, जो लीगल बैटल होता है कि सिंबल किसका होगा, शिवसेना पार्टी वहां पे शुरू होगा। मेरे कहने का मतलब, शरद पवार एक ऐसे जो है राजनीतिक नेता बन के छोड़ दिए जाएंगे, परित्यक्त कर दिए जाएंगे, एबंडेंट कर दिए जाएंगे कि केवल वो बिस्तर पे पड़े रहेंगे, मतलब सरसैया पे पड़े रहेंगे भीष्म पितामह की तरह दिखाने के लिए। बाकी पॉलिटिकली वो एक्टिव नहीं रह सकते, वो युद्ध नहीं कर सकते हैं, उनका फ्यूचर खत्म हो गया एज फैक्टर के कारण भी। और आपके जो फील्डर्स बैट्समैन कुछ नहीं है तो आप कोच बन के क्या करेंगे, आप मुझे बताइए ना। आप क्रिकेट की उस टीम के कोच हैं जिसमें सारे बाउंसर, जिसमें सारे प्लेयर बैट्समैन बॉलर आपको छोड़ करके चले गए हैं, आप कोच बने रहिए या अंपायर बने रहिए, तो हेल्प लगा करके उंगली दिखाते रहिए, पूरी फील्ड किसी और की है, पूरे प्लेयर किसी और के हैं। तो ये बहुत जबरदस्त भारत में, भारतीय राजनीति में इसको मैं एक बहुत जबरदस्त डिप्लोमेटिक गेम मानता हूँ या प्ले मानता हूँ या मूवमेंट मानता हूँ कि इतने कद्दावर नेता को इतना विवश होना पड़े कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में एक लॉजिकल बात उनको नहीं समझ में आ रही है, केवल इधर उधर की बात कर रहे हैं कि हम देखेंगे सारे वापस आ जाएंगे, मैं फिर से पार्टी। शरद पवार जी को पता है कि ये पार्टी खड़ी करने में उन्होंने पूरी जिंदगी गवाई है। पार्टियां एक दिन में खड़ी नहीं होती हैं, स्टेट लेवल की पार्टियां, स्टेट लेवल की पार्टियां खड़ी करने में 25 से 30 साल लग जाता है, और जब भगवत कृपा होती है तब उन्होंने गवा दिया है। यही हाल शिवसेना का। अच्छा, संजय राउत ने जो आपने अपने बयान में जो आखिरी लाइन कही कि आने वाले दिनों में एक और चीफ मिनिस्टर आप देखेंगे, दो डिप्टी सीएम हैं, एक सीएम है, क्या इसी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र की एनडीए लोकसभा के चुनाव या विधानसभा के चुनाव में जाएगी? आपको क्या लग रहा है, या कुछ बदलाव होगा या हो सकता है? टीम तो इनकी यही हो के पीछे कारण है, बहुत ज्यादा ये बदलाव नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा अगर ये बदलाव भी करेंगे तो पीएम या सीएम जो घटेंगे या बढ़ेंगे वो भी तो ग्रुप से ही होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि ये लोग जो है मिल करके उद्धव ठाकरे को, अपोजिशन के किसी लीडर को ये बना देंगे सीएम, ये दैट इज नेवर पॉसिबल। इनके ग्रुप का कोई भी सीएम हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो यही टीम जीतेगी। और ये सारा ग्रुप मिल करके सीधे सीधे क्लियर कट मैसेज है जो इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल जो कि एनसीपी के पिलर थे, बिना इनके आप एनसीपी की कल्पना नहीं कर सकते। और इन्होंने स्टेज पे आके अगर इतनी बड़ी बात बोली है कि 2024 के चुनाव के लिए विकास हो रहा है देश में, एक ऐसे लीडर हैं जो कि इतने सालों के बाद मिले हैं, ये सारी बातें ये बताता है कि इन लोगों का विश्वास अपनी पार्टी और उसके लीडर और लीडरशिप स्टाइल से टोटली खत्म हो गया। इन लोगों को लग रहा है कि शरद पवार के साथ अब हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। नित्य प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इस पर विपक्ष हमलावर होता दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के प्रयोग करते आ रही है, और एक बार फिर से महाराष्ट्र में भी उसने इस प्रयोग को दोहराया है, और लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे ये उसका प्रयोग चलता रहेगा। अब चर्चा हम इसी को लेकर
कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो ये डेवलपमेंट हुआ है इसका आने वाले समय में क्या असर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ एके मिश्रा साहब राजनीतिक विश्लेषक और नित्यानंद शर्मा साहब राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। मुंबई से हमारे सहयोगी हरीश तिवारी भी जुड़े हुए हैं। वो बता रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आने वाले समय में क्या राजनीतिक इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, इनकी जो महाविकास अघाड़ी है और फिर एनडीए को लेकर। बहरहाल जरा इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं मिश्रा साहब, इस चर्चा की इस दौर में जरा बात उस एकता को लेकर जिसमें 23 जून को पटना में तमाम विपक्षी दल एक साथ बैठे और उस बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वहीं से वो नाराजगी धीरे धीरे शुरू हुई। आज के इस महाराष्ट्र की घटना को, एनसीपी के इस दोफाड़ को देखें तो क्या वो सेटबैक है उस विपक्ष की एकता पर? महारथी थे जिनका लीडिंग रोल था, वो बहुत कमजोर हो गए। बात मैं शरद पवार की कर रहा हूँ, तो मोराल तो जबरदस्त तरीके से डाउन होता ही है और सभी पार्टियां भले ही कुछ बोले या ना बोले लेकिन अंदर अंदर उनको भी डर समा गया है, भय हो गया है कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। मेरा दावा है, आप ममता दीदी से फोन करके पूछिए, वहां पे भी यही बात चल रही होगी कि भाई संभालो अपनी पार्टी को। देखिए बीजेपी ने ये किया क्यों, मैं आपको बताता हूँ। स्टेट पॉलिटिक्स को आप छोड़ दीजिए, 2024 के लिए भाई बीजेपी को भी पता है कि कुछ कमियां उनके अंदर पैदा हुई, उनको नए फील्ड चाहिए, बड़े स्टेट को वो साधना चाहती थी, साधना चाहते हैं। तो महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है, हर मामले में बड़ा स्टेट है, वहां मजबूत होना, क्योंकि कर्नाटक ये लोग ऑलरेडी लूज कर चुके हैं, तो जो लूज किए हुए हैं उसके उसकी भरपाई कहां से होगी, कुछ स्टेट में उसको अपने आप को मजबूत करना है। तो आप ये मानिए कि 2024 के चुनाव की ये तैयारी है, अपने कदमों को मजबूत आहट देने के लिए अपने कदमों को मजबूत किया गया। कोई बदलाव इस सरकार में कम से कम 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के पहले तक तो नहीं होगा। बीजेपी और एनसीपी के जो लीडर गए हैं वो नहीं चाहेंगे कि जरा सी भी उथल पुथल हो। विपक्ष के जो नेता हैं शिवसेना और शरद पवार इस हालत में अब नहीं बचे हैं कि वो इस समुद्र में एक कंकड़ मार करके लहर या सुनामी या कोई खलबली पैदा करना तो दूर, एक कंकड़ मारने की हैसियत में नहीं बचे हुए हैं। तो 2024 तक ये निर्बाध रूप से बहुत तेज तरीके से ये काम करेंगे, पूरी तैयारी इनकी 2024 के इलेक्शन की है। इस गठबंधन को जो नया है उसको 24 तक, ठीक है, बीजेपी के लिहाज से तो ये पूरी बात जो है वो उनके पक्ष में दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक और तस्वीर महाराष्ट्र में दिखाई देने लगी है, वही तस्वीर देखने को ये आ ही रहा है और समय समय पर इस तरह की तस्वीरें आती हैं और इस परिभा ये जो कहावत है उसको चरितार्थ भी करते रहते हैं राजनीतिक दल और राजनेता। एके मिश्रा जी, बीजेपी के लिहाज से तो आप बता रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है वो उसे और मजबूती दे रहा है 2024 के लिए, लेकिन विपक्ष के लिहाज से एकजुटता की बात हो रही है, राहुल गांधी, शरद पवार सारे लोग एक साथ पटना में दिखाई दिए और अब अगली बैठक जो पहले था कि शिमला में होगी वो हुआ कि अब कर्नाटक में होगी जुलाई इसी महीने में, दूसरे तीसरे हफ्ते में वो बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही बिहार में जहां पर वो बैठक हुई, पहले उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए और फिर जीतन राम मांझी अलग हो गए, उत्तर प्रदेश में आइए तो ओम प्रकाश राजभर अलग हो गए, महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक चल रहा था तो अजीत पवार अलग हो गए, तो ये सेटबैक उनको लग रहा है, तो अब आने वाले समय में किस तरह से वो चुनौती दे सकते हैं? महाराष्ट्र में तो वो कमजोर दिखाई देने लगे हैं अब अगर ये घटनाक्रम जो सामने आया है, लेकिन देश भर में जो एक लग रहा था कि एक मजबूत विपक्ष आकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को टक्कर देती दिखाई देगी, वो लग रहा है अब आपको? देखिए इसमें हुआ ये है कि केजरीवाल जी भी अलग हो गए और उसके साथ साथ और जो है खबर ये भी है कि जो डीएमके के नेता है वो भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है इन सारी चीजों को लेकर के। तो ये एक बहुत कमजोर जो है टाइप का, मतलब देखिए बीजेपी इस चीज को जानती है कि ये लोगों की मजबूती ये है कि ये अगर एक हो जाएंगे, अब उसको खत्म कैसे किया जाए, उसको खत्म करने का तरीका ये है कि एक एक पार्टी को अलग अलग करके आप जो है उनको कमजोर करिए। इसी कड़ी में आप देखिए ये पहला प्रयोग ये है, एकदम नया प्रयोग है कि शरद पवार की शक्तियों को खत्म कर दीजिए, जो लोग अगुआ बने हैं,
जो लीडर बने हैं उनकी शक्तियों को खत्म कर दिया जाए। तो एक एक करके इसी तरीके से शक्तियां खत्म की जा रही हैं। जो सबसे सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट प्ले, सॉफ्ट शिकार हो सकता है, जहां इजिली जो है उनको कमजोर किया जा सकता है, प्रहार वहां सबसे पहले होगा। जैसे महाभारत के युद्ध में अगर आप देखेंगे तो दुर्योधन के जो है जांघ पे प्रहार किया गया था क्योंकि वो कमजोर पार्ट था। तो ये एक प्रक्रिया इन्होंने शुरू की है और शरद पवार के जाने से वाकई में बहुत जबरदस्त कमजोरी आएगी। अब देखिए शरद पवार साहब इस परिस्थिति से निपटेंगे कि विपक्षी एकता बनाएंगे, और विपक्षी एकता अगर बनाएंगे भी तो किस बेस पे बनाएंगे? ना कोई लीडर, ना कोई कुछ, केवल अपनी पुत्री के साथ बनाएंगे? ये तो संभव है ही नहीं। विपक्ष वाले खुद उनको बोलेंगे भाई आप पहले जाके अपना स्वास्थ्य जो है ठीक करिए, अपना राजनीतिक स्वास्थ्य ठीक करिए। और मुझे लगता है कि आगे कई और पार्टियां जो है उनके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। कुल मिला के मुद्दा ये है कि विपक्ष की एकता बनने ही मत दीजिए, और जब एकता बनेगा ही नहीं तो ये लोग फिर सामना क्या करेंगे? बिल्कुल, और प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं।